हजारों कदम की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ये तुम्हारी कहानी है, तुमसे ही शुरू होती है। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप सभी की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो आज है दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से शांति वाली हैप्पी दिवाली बनाएंगे, दिए लगाएंगे घर में, बिल्कुल सही से करेंगे, ऐसे नहीं, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है, मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी आप क्या मानोगे, आपकी मर्ज़ी है वो। तो बताओ, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आप कंसिस्टेंस रह पा रहे हो, या फिर आप ऐसे कर देते हो, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल? तो बताओ बताओ, कैसे करते हो आप? तो दोस्तों, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, एक दिन भी अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करते हैं, मन लगा के बिल्कुल अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं। और आपको यही करनी है, क्योंकि मेहनत के बाद जब आपको सफलता मिलेगी तो वो तो अलग ही खुशी होती है। तो आप सभी अगर उस खुशी को चाहते हो तो दिल लगा कर मेहनत कीजिए। एंड आज दिवाली है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप पटाखे मत फोड़ना, मैं दोबारा कह रही हूँ, बिल्कुल शांति से दिवाली बनाना, दिए जलाना, घर को साफ सुथरा तो आपने कर ही लिया होगा, अभी 4-5 दिन सफाई अभियान ही चल रहा था पूरे भारत में। हाँ, तो बिल्कुल सही से सफाई वगैरह करके घर में शांति से रहना। मुझे तो ये शांति वाली दिवाली ही ज़्यादा पसंद है, ये बम पटाखों वाली इतनी पसंद नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो दोस्तों, अभी आप सभी की दिवाली की छुट्टियां चल रही होंगी, तो आप सोच रहे होंगे कि ये महीना तो त्योहारों में चला जाएगा, फिर दिसंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। और कई तो ऐसे सोचते हैं, मेरी फ्रेंड्स एक आधी वो ऐसे बोलती है, नवंबर इसमें चला जाएगा त्योहारों में, तो सीधा न्यू ईयर से ही स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना होता, चाहे कुछ भी हो लेकिन पढ़ना तो होता ही है, कम पढ़ लो लेकिन पढ़ो तो सही। तो मैं उनको ऐसे कहती हूँ, एक आधी वैसे बताऊँ बात, वो मेरे को ही नहीं बताती और खुद तो घर से पढ़ती होंगी बहुत सारी होती हैं जो खुद नहीं बताती हैं लेकिन घर से पढ़ती रहती हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, सच बता रही हूँ। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जी हाँ, तो मेरी भी छुट्टियाँ चल रही है दिवाली की, और ये दिवाली की छुट्टियों से पहले का व्लॉग है। मैंने वीडियो बनाई हुई थी लेकिन वॉइस ओवर मैं छोटी दिवाली वाले दिन कर रही हूँ, मतलब जो असली दिवाली होती है उससे पहले वाले दिन, जिसको हम हरियाणवी में काणी दिवाली भी बोलते हैं। हाँ, तो उस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मैं कल अपलोड करूँगी, इसलिए कल होगी दिवाली। तो आप सभी को दोबारा से हैप्पी दिवाली। एंड अभी मैं घर पे थी तो मैंने सफाई वगैरह की सुबह, फिर उसके बाद मैंने एक क्लिप बनाई जब मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, फिर चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर सफाई करने लगी थी, फिर उसके बाद एक संतरा उठाया और अपने टेबल पे आ गई, लैपटॉप उठाया एंड फिर पढ़ने लग गई। तो अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स का, मैं ये थर्ड चैप्टर पहले भी कर रही थी लेकिन मेरे सही से डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज़ करके फिर आगे कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर 200 प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप चैनल के चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी मेंबर को पता होगा तो वो आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं भी ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड देखो, ये अभी पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल ही मान नहीं रहे हैं गली वाले बच्चे, लेकिन मैं तो नहीं बजाऊंगी। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मेरे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो डेली बेसिस में मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। हाँ, अभी कुछ दिनों से मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं इसलिए वहाँ पे नहीं प्रोवाइड हुए हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाने की। मेरे पास जब भी आएंगे, जब मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाती हूँ, और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है एसएससी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सभी मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप एक बार चैनल देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी की भी मेरी तरफ से थोड़ी सी भी हेल्प हो तो मैं करूँ, इसलिए मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 200 प्लस एस्पिरेंट्स ऐसे तो जुड़े नहीं हैं, कुछ तो है इसलिए जुड़े, और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प होती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी कर लीजिए, क्या पता लाइफ में थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ मैं आपकी। तो गाइज़, अब मैं चली गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए मौसम देखने के लिए, और अब मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। तो अभी मैं तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस देख रही हूँ। हाँ, मैं कई बार आपको बताती भी हूँ कि तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश के लिए बेस्ट है,
अगर आप बिगनर हैं या अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो भी आप तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि तरुण ग्रोवर सर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी करवाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो अभी मेरा सिलेबस हो चुका है इंग्लिश का, तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट ही कर रही हूँ और ये मेरी है जो है कॉलेज की बुक है, तो ये थोड़ी बहुत नेट इशू चल रहा था इसलिए मैं इसको उठा लाई थी। मैंने देखा तब तक ये नेट ठीक होगा तब तक पढ़ लेती हूँ, फिर नेट चल पड़ा, ये मैंने बुक खोली तो मैंने बुक रख दी साइड में और अब मैं ये प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रही हूँ। जब घर पे बचपन में दिवाली की सफाई स्टार्ट होती थी ना, तो हमेशा ये रहता था कि कुछ ना कुछ गुम हुई हुई चीज़ें मिलेगी। जब मैं छोटी थी ना तो मैं खेलती थी कंचा, कंचा आप समझ सकते होंगे क्या होते हैं कंचा, तो मैं वो खेलती थी और वो मेरी हमेशा कहीं ना कहीं गुम हो जाती थी, क्योंकि मुझे ये भी इंटरेस्ट था कि मेरे पास ना एक बोतल भरी कंचा की होती थी। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी ऐसे ही हम सारे भाई बहन बैठ के उन सभी कंचों को गिरा देते थे फर्श पे और फिर ऐसे करते थे कि भाई जो ज़्यादा कंचा लेके आएगा ना वो उसको जीता मानेंगे, वो उसको इनाम भी नहीं मिलता था लेकिन फिर भी जीतने का वो रहता था। और फिर ऐसे करते करते कोई कंचा कहीं चली जाती थी, कोई कहीं चली जाती थी, वो मिलती नहीं थी। फिर दिवाली की सफाई में इतना शौक होता था कि भाई जल्दी से दिवाली की सफाई स्टार्ट हो और फिर हमारी खोई हुई कंचा मिलेंगी, फिर हम खेलेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़े आते थे। और मैंने कभी भी ना कंचा पैसों की नहीं खरीदी, कभी भी नहीं खरीदी। हम खेलने चले जाते थे तो मैं किसी को कह देती थी, मेरे भाई वगैरह को, कि भाई 10 कंचा उधारी दे दे, तो फिर मैं उनकी जीत लाती थी और मैक्सिमम बार मैं हारती थी, फिर मैं रोने लग जाती थी, फिर वो मेरे को कंचा वापस दे देते थे, तो ये चलता रहता था। लेकिन अब दिवाली की सफाई में वो मज़ा नहीं रहा, क्योंकि अब कंचा खेलते रही हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम ये सोचते हैं भाई सफाई करेंगे टाइम वेस्ट होगा, पढ़ लेते हैं, सक्सेस होना है हमें, तो अब ये चीज़ें हैं। लेकिन पहले कुछ भी नहीं था, पहले बस मज़े थे, कुछ टेंशन वगैरह नहीं थी। अब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन हमें इन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। आप सभी का भी दिवाली पे कोई ना कोई किस्सा तो रहा ही होगा कि भाई कुछ ऐसी बात हुई हो जो आप हर दिवाली पे मिस करते हो कि पहले ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। कई बार तो पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वो अपने साइड आ जाते हैं और फिर कपड़ों में ऐसे हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वो होता है। पहले रॉकेट जलाते थे ना तो वो उड़ के दूसरों के घरों में चला जाता था, फिर हंसते थे कि भाई ये क्या हो गया। और फिरकी का तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम ना फिरकी ऐसे ही सीधे छत पे जलाते थे, किसी चीज़ में डाल के नहीं जलाते थे, तो वो घूमती फिरती हमारे पास आ जाती थी और फिर सभी ऐसे डर के भागते थे, कितने मज़े आते थे। लेकिन दोस्तों अब हम बड़े हो गए हैं तो अब समझ में आया है, अब इस भेजे में बड़ा है कि भाई हम अपने थोड़े से मज़े के लिए कितनी सारा पोल्यूशन कर देते थे, कितना सारा। और हम ये सोचते भी नहीं थे भाई कुछ हुआ या नहीं हुआ है, पटाखे ख़त्म होने के बाद ऐसे मुंह और बनाते थे, इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, अभी तो और जलाने थे, ये सब रहता था बचपन में। तो बचपन की तो बात ही अलग है, आज तो हमने पूरा व्लॉग बचपन में ही निकाल दिया, पढ़ाई की कुछ बात ही नहीं की। तो फिर आप बताओ कि भाई क्या पूछूँ मैं, क्या पूछूँ, कन्फ्यूज़ हूँ, कुछ नहीं रहने दो। तो अभी मैं ये प्रैक्टिस सेट ही कर रही थी और इसके बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के लिए चलते हैं, तो फिर मैं मिलाती हूँ आप सभी को नंदी बसंती से। तो ये देखिए नंदी जी कैसे लग रहे हैं हमारे नंदी महाराज, बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल गोरे हैं, सभी बसंती वगैरह से सबसे गोरे हैं ये। और ये देखो बसंती आराम से, बसंती और इसकी बहनें आराम से खा पी के सो रही हैं और ये इनके पानी पीने की जगह होती है, तो इनके भी बिल्कुल मज़े है, खाओ पियो सो जाओ। और वो मीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, वो है ना कि भाई किसने पढ़ने का ये बहुत निकाला है, आराम से गुफाओं में रहते और मर जाते खाते पीते। वैसे बात तो सही है, पढ़ेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, खुश रहना होता है, तो खुश तो आदि मानव भी रहते हैं, वो भी रहते थे, लेकिन पता नहीं जो है ठीक है, चलो हमें बस जो रास्ता मिलता है उस पे चलते जाते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हमें पढ़ना होता है, हमें जो करना होता है हम वही काम करते रहते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, यही है लाइफ। और हमें जीना भी है, अच्छे से जीना है, काटनी नहीं है ज़िंदगी, जीना है। आप सभी मेरी बातों से बोर तो नहीं हो गए होंगे, आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बकवास की थी। नहीं, बोर नहीं होना होता, बिल्कुल सबकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक मीम नहीं है कि भाई हमेशा सभी बोलते ही रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, अगर कोई सुनने वाला हो तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। हाँ, तो फिर वो खुद को भी बनना चाहिए हमें,
तभी होती है लाइफ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सुन के बोर मत हो, सुनते रहो मेरी बातों को। तो जी हाँ, अभी मैंने कॉलेज की थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की बुक से, जो मेरे पास गाइड है एनसीईआरटी की, जो पोएम्स वगैरह है उसमें, वो रीड की थी, और जो वोकैबलरी वहाँ से आई थी वो अंडरलाइन की थी, जो मेरे को नहीं आती थी। थोड़ी बहुत वहाँ से वोकैबलरी अच्छी हो जाती है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए आपको भी। तो गाइज ये देखो आईफिल टावर। तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।